कल ही कहा था कि कोई योजना बंद नहीं होने वाली है, उनको और ज्यादा मजबूत और सशक्त किया जाएगा। आपने तत्काल आते ही 5,000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, उनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा, परिवार का बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, इस बात के बारे में आपको तनिक भी चिंता नहीं हुई। आपके पास दिल्ली से फरमान आया कि राजीव गांधी के नाम से जो भी कोई योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। आप नाम चेंज कर सकते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम रख देते और कोई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम रख देते, या आपको जो अच्छा लग रहा था वो नाम रख देते, लेकिन इन नौजवानों के साथ में आपने ये नई साल के आते आते क्रूर मजाक क्यों किया, क्यों आपने उनके ऊपर ये कैंची चलाई, समझ से परे। हमारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। ये जो विद्यार्थी मित्र थे, बीजेपी में लगे थे, हमने इनको फिर आगे बढ़ाया था, फिर ये ग्राम पंचायत सहायक दोबारा बीजेपी की सरकार आई तो हमने इनको फिर आगे बढ़ाने का काम किया, और आखिरी में हमने, आपने देखा होगा कि रूल्स बना लिए, और रूल्स बनाकर के राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स बनाए, और शिक्षा कर्मी, ग्राम पंचायत सहायक, पैरा टीचर, दूसरे डिपार्टमेंट के जो मदरसा पैरा टीचर या जो चिकित्सा विभाग के, उन सबको नाम चेंज करके उनको स्थायी करने का मार्ग प्रशस्त किया, और 18,500 रूपये और 10,400 रूपये से उसकी वेतन की शुरुआत की, जबकि इनको 8,000 रूपये के लगभग मिलता था। अब इनको इजी वे में कोई नहीं निकाल सकता, इनको आगे चल करके 30,000 या 32,000 रुपए के लगभग पैसा मिलेगा। तो आप भी तो इनका नाम चेंज करके इस तरीके से, ये जो आज राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये समाप्त नहीं हुआ है, ये कानून बन चुका है, नियम बन चुके हैं, और राजस्थान की विधानसभा ने मेज थपथपा करके इसको स्वीकृति दी है। तो इसके अंदर आपको डालने में क्या दिक्कत थी, आपको ये काम क्यों नहीं किया, समझ से परे है। लेकिन जैसा चर्चा चल पड़ी है 20-21-22 दिन में ही, कि मुख्यमंत्री जी स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं लेकर के कहीं न कहीं से गाइड हो रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, आपको हाईकमान ने बनाया है, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया है, आप इन बेरोजगारों के साथ में इस तरीके का व्यवहार मत कीजिए, इनकी रोजी रोटी को आप मत छीनिए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी सरकार जब आई तो बहुत बड़े बातें की गई, चुनाव में भी बहुत माहौल बनाया गया कि साहब अपराध बहुत बड़े पिछले 5 साल में, और पता नहीं क्या क्या हम पे तोहमत लगाई गई। आज मैं पूछना चाहता हूं, दर्जनों घटनाएं हैं अपराध की, और एक तो ताजा घटना है जो रातूसर तहसील भानीपुरा विधानसभा क्षेत्र तारानगर, उसमें एक दलित मृतक कन्हैयालाल पुत्र इमी चंद जाति मेघवाल, पर उसके साथ जो घायल हुआ है गंगाराम पुत्र भवनलाल जाति मेघवाल, उसके साथ में कितने लोगों ने मिलकर के किस प्रकार से मारा पीटी की है, उसका वीडियो आपके मीडिया के पास मौजूद होगा। आज की तारीख में भी मुख्य मुलजिम नहीं पकड़े गए, जो घायल है, इंजर्ड है, वो जो बयान दे रहा है, जिन जिन लोगों के नाम बता रहा है, और जो वहां पर संघर्ष समिति न्याय दिलाने के लिए बनी हुई है, वो जन संघर्ष समिति सरदार शहर जिला चूरू जो उपकरण अधिकारी को ज्ञापन दे रही है, कल की तारीख में उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें बाकायदा नामों का मेंशन किया गया है कि ये लोग हैं जिन्होंने इसकी, एक दलित परिवार की, दलित व्यक्ति की हत्या की है बेरहमी से पीट कर। क्या है ये, मजाक बन के रह गया। आज 25 दिन बाद में भी इनसे मंत्रिमंडल नहीं बना,
सीएमओ में अधिकारी नहीं लगे, सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं अपनी लाइजनिंग कर रहे हैं अच्छी अच्छी पोस्टें पाने के लिए। कोई दिल्ली की भाग दौड़ कर रहा है, कोई किसी नेता के पास जा रहा है, किसी मुख्यमंत्री जी से संपर्क कर रहा है, कोई हारे हुए जनप्रतिनिधि जो पहले थे उनसे भी संपर्क कर रहा है, ऐसा भी सुनने में आया। अब इसको कौन चलाएगा, सीएमओ को और सरकार को कौन चलाएगा, ये 25 दिन बाद में भी समझ से परे है। राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये हो क्या रहा है, ये मंत्रिमंडल बन क्यों नहीं रहा, किसने अंगद का पैर लगा करके इसको रोक रखा है, ये समझ से परे। मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी का मतलब 5 साल माने, 12 महीने माने, 6 महीने माने, नया साल माने, क्या माने उनको क्लियर करना चाहिए। अपराध के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो 100 दिन की कार्य योजना बनाने की इन्होंने शुरुआत दूसरे दिन ही बात की थी मुख्यमंत्री बनते ही, एक भी विभाग की कार्य योजना 100 दिन की नहीं बनी है। ये 100 दिन की कार्य योजना बनते बनते 100 दिन पूरे हो जाएंगे, और ये नहीं हो कहीं मंत्रिमंडल बनते बनते और मंत्रालय मिलते मिलते भी 100 दिन पूरे हो जाए, ये भी अब लोग बात जो है चर्चा करने लग गए, चाय की थड़ी पे चर्चा हो रही है कि भाई ये हुआ क्या, ये नया प्रयोग मोदी जी ने और नड्डा जी ने अमित शाह जी ने किया, तो क्या ये नया प्रयोग ये भी कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल बनाए ही नहीं, भजन लाल जी से चलाते रहे, ये भी नया प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो संशय है सरकार नहीं बनने का, इसको दूर करना चाहिए, अपराध पे अंकुश लगाना चाहिए। जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र के गांव रातूसर में जो दलित के साथ में मारपीट करके घिनौना कृत्य करके उसकी जो हत्या की गई है, उसके जो मुलजिमान हैं वो बयानों के आधार पे उनको ट्रेस करके तुरंत उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और जो राजीव गांधी जो हमारी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसको इनको पुनः चालू करके नामकरण वो चाहे तो चेंज कर दें, लेकिन इन नौजवानों को वो बेरोजगार नहीं करें, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि सरकार तो अभी पूरी बनी नहीं, तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, बन जाएगी तो फिर संबंधित जो भी मंत्री होगा उससे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, मुस्कुरा के एक ही बात कहते हैं, देखो साहब नया प्रयोग हुआ है, क्या होता है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है, कौन मंत्री आता है, उसके बाद में हम लोग जहां हमारी पोस्टिंग होगी फिर हम चर्चा कर पाएंगे, कोई जवाब दे पाएंगे। एक तरीके से जिस रामराज के लिए इन्होंने वोट मांगे थे, वो रामराज कब आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन अपराध भी बढ़ रहे हैं, कोई जवाबदेह भी नहीं है, नौजवानों को छला जा रहा है, और सब में इतने जल्दी नौजवानों में इतनी जल्दी आक्रोश आ गया, ये किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसलिए मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने एक अभियान चला रखा है, देश के लिए दान करें, और उसके अंतर्गत जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें 1,38,000 या इससे अधिक इसी गुणांक में, या 13,800 या 138 रुपए का दान ऑनलाइन ऐप के माध्यम से करने के लिए रिक्वेस्ट हमने हमारे कार्यकर्ताओं से किया है। मैं राजस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि हम सभी राज्यों में नंबर 2 पे हैं, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान के तमाम नेता कार्यकर्ताओं को आग्रह करना चाहता हूं, सभी जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, विधायक, पार्टी के सभी पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक, सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, और ये जो तानाशाह सरकार चल रही है, जो देश में जो वातावरण इस प्रकार का पैदा कर रखा है, उससे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाएं, जिसने देश को आजादी की लड़ाई भी लड़ी, और आज स्वर्णिम भारत जो हम बोल रहे हैं वो स्वर्णिम भारत
ये 9 साल में 9.5 साल में नहीं बना है, सभी पहले के तमाम सरकारों ने, प्रधानमंत्रियों ने, नेताओं ने, महापुरुषों ने, सबने इस यज्ञ में आहुति दी है और उससे बना हुआ है। तो मेहरबानी करके सभी लोगों से अपील है कि इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश के लिए दान करें। जो हमारा कांग्रेस का अभियान चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और नंबर 1 राजस्थान बने, ये मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। सर, एक आप बोल रहे हैं कि मंत्रिमंडल को लेकर देरी हो रही है। 19 तारीख से राजस्थान की विधानसभा है और नेता प्रतिपक्ष का रोल 19 तारीख से शुरू होता है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की विधानसभा जिस दिन शुरू होगी उससे पहले नेता प्रतिपक्ष का चयन होकर के बाकायदा वो काम करना चालू कर देगा। आप भी क्या कोई नया प्रयोग करें नेता के रूप में, कोई नए चुने हुए विधायकों को जिम्मेदारी? हमारे यहां पार्टी आला कमान सबसे चर्चा करके और जो उनको ठीक लगता है, उचित लगता है, पार्टी हित में लगता है, वो जिम्मेदारी उस कार्यकर्ता को देते हैं, वही जिम्मेदारी वो कार्यकर्ता वहन करता है। हमारे बीजेपी की तरह नहीं है भाई, सबसे चर्चा करके फैसला करते हैं। वहां पर तो राजनाथ सिंह जी आए, उनको जब तक होटल में आए तब तक यही पता नहीं था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री किसको घोषित करना है। तो ये सस्पेंस जो है ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहां चर्चा होती है और आपने देखा होगा कि सभी राज्यों से खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं वो चर्चा कर रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब को अलायंस की जिम्मेदारी दी गई है, माननीय सचिन पायलट जी को CWC मेंबर के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी और हमारे छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है, भंवर जितेंद्र सिंह जी को पहले से जनरल सेक्रेटरी और CWC मेंबर हैं, उनको साथ में एक स्टेट और दिया गया है असम के साथ में, मोहन प्रकाश जी को भी प्रभारी बनाया गया है। तो मैं समझता हूं कि सबको जिम्मेदारी दे रहे हैं और रंधावा साहब हमारे पुनः वही कंटिन्यू करेंगे, उनको भी पुनः राजस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं इन सब लोगों को भी मेरी ओर से भी बधाई देना चाहता हूं और हम इतना कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में सबसे चर्चा करके और उसके बाद में निर्णय होता है और उस निर्णय पे हम सब लोग अमल करते हैं। सतीश पूनिया ने जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने कहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था कि 22 दिन हो चुके हैं और मंत्रिमंडल का रास्ता गठन नहीं हो पाया है, तो सतीश पूनिया ने कहा है कि उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है ऐसा कहना अशोक गहलोत। सतीश पूनिया जी को उनकी पार्टी में, अपनी पार्टी में यह सलाह देनी चाहिए कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है कि लोगों ने मत दे दिया और आप सरकार नहीं बना पा रहे हो, एक तरीके से मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हो, ब्यूरोक्रेसी को जो जिम्मेदारी देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हो, क्योंकि सबको पता है कि अधिकतर का ट्रांसफर चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो सबका इधर उधर होना है, वो अपने विभाग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो सफर कौन कर रहा है? राजस्थान की जनता कर रही है, न कि मोदी जी और अमित शाह जी। और तो ये आप समझिए कि उनको हमको सलाह देने के बजाय, हम तो हमारा काम चला लेंगे भाई, सरकार भी हमने अच्छी चलाई, अच्छी योजनाएं लेकर के आए, आप सब इस बात के गवाह हैं। आप सब लोगों में से एक ही बात निकलती थी कि साहब काम तो शानदार हुए, विकास अच्छे हुए, योजनाएं अच्छी थी, ठीक है, जनता का आशीर्वाद था, उनको मिल गया, हम प्रतिपक्ष में आ गए, प्रतिपक्ष में भी ऐसा गोटा घुमाएंगे कि इनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे, क्योंकि ये तो उल्टे सुलटे फैसले करेंगे, जनहित के फैसले इनकी फितरत में है ही नहीं, इनकी डिक्शनरी में जनहित के फैसले करना है ही नहीं, जिसका नमूना आपने देखा होगा। कल ही मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई योजना बंद नहीं होगी और ये 5,000 नौजवानों को सड़क पे ला दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली, और जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर कोई अंकुश नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है, कोई विभाग काम नहीं कर रहा है, किसी को पेमेंट नहीं मिल रहा है,
सड़कें बनी हैं, बन रही हैं, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं है। जो चिरंजीवी योजना है उसमें इलाज कराने जाता है, उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है। जो आरजीएचएस है, स्कीम है सरकारी कर्मचारियों की, उसके लिए नहीं हो रहा है। जो ओपीएस स्कीम है उसमें लोगों में यह है कि अब क्या होगा, क्या मैं 31 दिसंबर को रिटायर्ड होने वाला हूं तो क्या मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में कोई क्लियरिफिकेशन इनकी तरफ से नहीं है। तो न किसी योजना के बारे में चर्चा है, न कोई काम के बारे में चर्चा है। और उप मुख्यमंत्री दोनों को तो अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला, तो उनसे तो हम बात भी क्या करें। अभी तो सारे के सारे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में केंद्रित है। हम मुख्यमंत्री जी की कब जवान फिसल जाए, कब उनकी कलम फिसल जाए, किसी को कोई पता नहीं है। सर ये कैसा राइट टू हेल्थ बिल लेके आगे, सर चिरंजीवी में 5 लाख का भी इलाज नहीं कर रहे, अब तो कार्ड ही नहीं ले रहे, आयुष्मान में गए करा लो। मैं कह रहा हूँ ना, यही तो बात है ना, आयुष्मान है कहाँ आज की तारीख में। जो योजना है और 2024 तक है, उसको आप या तो खत्म करके दूसरी कोई लॉन्च करो, या फिर उसको कंटिन्यू करो, उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए, वो मिले। तो ये कुछ कोई जवाबदारी किसी की है ही नहीं भाई साहब, कोई चर्चा करने को ही तैयार नहीं। जनता पिस रही है, तकलीफ पा रही है, हॉस्पिटल में जा जाके आंसू बहा रही है, कह रही है भाई हमारा इलाज कौन करेगा, कैसे करेगा, कोई अता पता नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। ये ही तो विडंबना है। टेंडरों पे रोक लगा दी सबसे, और काम सारे काम रोक दो, पैसे रोक दो, टेंडर रोक दो, वर्क ऑर्डर हो गया तो काम चालू नहीं हुआ तो वर्क ऑर्डर रोक दो। ये हमने तो पहली बार देखा है भाई साहब। जो भी सरकार आती है, चाहे हमारी आई चाहे पहले बीजेपी की आई, 6 महीने के आखिरी के कामों की समीक्षा की गई थी, और समीक्षा के उपरांत जो कार्य चालू रखने उन्होंने उचित पाए गए वो चालू रहे, और नहीं तो उनको रोकना था तो वो रोका। लेकिन ऐसा आदेश हमने तो पहली बार, अस्थायी सीएमओ में अफसर सारे के सारे काम, पेमेंट, वर्क ऑर्डर सब कुछ रोक दिए जाए, रोजगार प्राप्त युवाओं को बेरोजगार कर दिया जाए, मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाए, विधानसभा अध्यक्ष का मुहूर्त है उसको लेट कर दिया जाए। अब ये क्या, थैंक यू। धीरे धीरे।